जन जन की आवाज़ जीवन भारत में आपका बहुत ही स्वागत है। और अब द्रौपदी मुर्मू का विवाद थोड़ा सा और गर्माते नजर आ रहा है। आपको बता दें एनडीए की जो प्रत्याशी है, राष्ट्रपति उम्मीदवार है द्रौपदी मुर्मू, उनको लेकर काफी हंगामा हो रहा है और बीजेपी वाले खासकर काफी हंगामा कर रहे हैं। इसके पीछे रीजन हम आपको बताते हैं। ये पूरा का पूरा मसला खड़ा हुआ जब कांग्रेस के नेता डॉक्टर अजय कुमार, उन्होंने ये कह दिया कि द्रौपदी मुर्मू जो है वो एक सभ्य महिला है, लेकिन वो जो बुराई के विचारधारा, बुराई वाली विचारधारा को वो रिप्रेजेंट करती है, वो एविल फिलॉसफी को रिप्रेजेंट करती है इंडिया के, इसको लेकर बहुत ज़्यादा बीजेपी आक्रोशित हो गई। और बीजेपी का साफ तौर पर कहना था कि इस तरीके का बयान वो कैसे दे सकते, वो एक आदिवासी महिला है और पहली बार ये मौका है देश स्वतंत्र भारत में जब एक आदिवासी महिला इतने बड़े पद पर बैठेगी, राष्ट्रपति पद पर बैठने का उम्मीदवार है वो। इस तरह का स्टेटमेंट कहीं ना कहीं बहुत शर्मनाक है। इसको लेकर कल उन्होंने पुतला दहन भी किया था और कांग्रेस से माफ़ी मांगने की भी बात कही थी। इसके साथ ही कांग्रेस के प्रवक्ता राकेश सिन्हा ने बचाव करते हुए कहा अजय कुमार का कि देश में डेमोक्रेसी है, लोकतंत्र है, सबको कहने की आज़ादी है। आइए सुनते हैं राकेश सिन्हा ने क्या कुछ कहा। देखिए, मुझे ये लगता है कि ये द्रौपदी मुर्मू का अपमान नहीं है, बल्कि अपमान है वो गोडसे की विचारधारा को मानने वाले लोगों का, जो गांधी के देश में गोडसे की विचारधारा को थोपने का प्रयास कर रहे हैं। और ये सही बात है कि राष्ट्रपति जैसा पद किसी जात के नाम से अगर जाना जाए तो ये भी पद का अपमान है जो भारतीय जनता पार्टी लगातार करते आ रही है। वो देश का सर्वोच्च पद है, वो किसी जाति विशेष के नाम से उस पद को नहीं जाना जा सकता है। कांग्रेस पार्टी ने भी कई लोगों को राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री बनाने का काम किया है। आज देश की जनता उनके क्रियाकलापों से उनको नमन करती है, जात के नाम पे नमन नहीं करती, चाहे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हों, चाहे वो मौलाना आज़ाद हों, चाहे वो लाल बहादुर शास्त्री हों, कई ऐसे नाम हैं। तो स्वाभाविक तौर पे ये विचारधाराओं की लड़ाई है। और उन्होंने ये कहा है कि इस देश में दो विचारधारा है, एक गांधी की विचारधारा, एक गोडसे की विचारधारा। तो स्वाभाविक तौर पे द्रौपदी मुर्मू जी गोडसे की विचारधारा के पक्षधर हैं। तो इसमें बुराई क्या है, ये भारतीय जनता पार्टी के लोग इतने तिलमिला क्यों रहे हैं? तो आपने सुना कि राकेश सिन्हा ने साफ तौर पर कहा कि डेमोक्रेसी है, लोग अपनी बातें रख सकते हैं, अपनी बातें रखने पर भी इतना हंगामा करने का कोई मतलब नहीं बनता है। तो वही बीजेपी की तरफ से काउंटर अटैक प्रथु शाहदेव ने किया और साफ तौर पर कहा कि ये डेमोक्रेसी और एक्सप्रेशन के नाम पर इंसान कुछ भी नहीं बोल सकता है, खासकर जब बात राष्ट्रपति उम्मीदवार और राष्ट्रपति पद जैसे गरिमा पोस्ट की हो, कॉन्स्टिट्यूशन ओहदे की हो। आइए सुनते हैं उन्होंने क्या कुछ कहा। देखिए, अजय कुमार अगर किसी राजनीतिक दल की फिलॉसफी के बारे में बोलकर कुछ भी कहते तो उस पर प्रतिक्रिया होती, लेकिन उन्होंने क्या कहा द्रौपदी मुर्मू जी के बारे में, शी इज अ डिसेंट वुमेन, शी रिप्रेजेंट्स द इविल फिलॉसफी ऑफ इंडिया। यानी एक तरफ कह रहे हैं कि वो सभ्य महिला है, लेकिन वो शैतानी सोच का प्रतिनिधित्व करती हैं, उनकी सोच जो है वो शैतानी है। तो ये डबल स्टैंडर्ड लाइफ में नहीं चलता। कांग्रेस का कहना है कि राइट टू एक्सप्रेशन है, कुछ भी अपना व्यक्ति वो सिर्फ अपना एक्सप्रेशन मतलब कर रहे हैं। बिल्कुल राइट, डेमोक्रेसी डेमोक्रेसी है, लेकिन एक सिर्फ ये एक जो निर्धन आदिवासी महिला थी जो विषम परिस्थितियों से आगे बढ़ी थी, उनके लिए ये अशोभनीय टिप्पणी क्यों? हाँ, राइट टू एक्सप्रेशन इनके पास बिल्कुल है, तभी तो सोनिया गांधी प्रधानमंत्री जी को मौत का सौदागर कह देती हैं, शिव थरूर कह देते हैं कि मोदी जी शिवलिंग पर बैठा हुआ बिच्छू के समान है, इनके एक और नेता हैं वो कहते हैं कि मोदी के टुकड़े टुकड़े काट देंगे और कांग्रेस पार्टी उन्हें ही टिकट देती है। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का ये मतलब नहीं कि आप इसका दुरुपयोग करें, और ख़ास करके जो वंचित और पीछे रह गया समाज है उसके किसी सदस्य के बारे में अशोभनीय अमर्यादित टिप्पणी करें। कांग्रेस को अब इसके लिए माफ़ी मांगना चाहिए, लेकिन पूरा का पूरा कांग्रेस डिफेंड करने में लगा हुआ अजय कुमार का, जैसे वो शैतानी सोच की बात से वो इत्तेफाक रखता है। तो आपने साफ तौर पर इन दोनों का प्रतिक्रिया सुना, लेकिन ये विवाद दिन ब दिन थमने का नाम नहीं ले रहा है। पुतला दहन हो रहा है और भी कई सारी चीज़ें हो रही है, इसका अपडेट हम आपको देते रहेंगे। ऐसी तमाम खबरों के लिए बने रहे जीवन भारत के साथ। मैं शिखा श्रॉफ, अपने सहयोगी राशिका बजाज के साथ धन्यवाद। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।